तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो एक रिक्वेस्टेड रेसिपी है। हमारी ब्यूटीफुल सी सब्सक्राइबर सारा खान ने ये रिक्वेस्ट किया था कि उन्हें कंपाउंड से आइसक्रीम कैसे बनाई जाती है वो सीखना है, तो इसीलिए आज मैं ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर माई वॉइस। चलिए शुरू करते हैं अमेजिंग रेसिपी कंपाउंड से आइसक्रीम बनाना। हेलो गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मनीषा और आप देख रहे हैं सिंपलीफायर कुकिंग। आज की रेसिपी क्या है वो आप सबको पता ही है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी मैं बताऊंगी प्लीज उन्हें फॉलो कीजिएगा परफेक्ट रेसिपी की। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो चॉकलेट कंपाउंड से आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमें आइसक्रीम बेस बनाना होगा, इसीलिए एक कढ़ाई ले रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कढ़ाई में थोड़ा सा पानी है। यहाँ मैंने हाफ लीटर के करीब फुल फैट मिल्क ले लिया है, आप किसी भी ब्रांड का दूध यहाँ पर ले सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने इसका कॉर्नर पूरा अच्छे से कट नहीं किया है पैकेट का, इसे हम इसके साथ ही इस तरीके से जुड़ा हुआ रहने देंगे ताकि ये इसी के साथ रिसाइकल हो सके। अब यहाँ पर दूध हमने पूरा ले लिया है 500 ग्राम्स। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इसे हम अलग अगर कर देते हैं तो ये छोटा सा टुकड़ा जो है हमारे कैटल्स जो घूमते रहते हैं बाहर उनके खाने के साथ मिक्स होके उनके पेट में जा सकता है, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर देम। तो इसीलिए हम इसे पैकेट को इस तरीके से ही कट करना चाहिए। चलिए आगे की प्रोसेस के लिए यहाँ पर मैंने जो पैकेट है उसे भी पानी से थोड़ा सा वॉश करके इसमें मिक्स कर दिया है। अब हम इस दूध को बॉयल करेंगे, इसे हम फिलहाल तब तक बॉईल करेंगे जब तक कि इसमें एक उबाल नहीं आ जाता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक उबाल आ चुका है और अब हमें इसे ट्रांसफर करना है किसी और बर्नर पे ताकि हम इस फ्लेम पे कुछ और काम कर सके। तो यहाँ पर हम इसे ट्रांसफर कर लेते हैं और इस बर्नर के ऊपर मैंने यहाँ पर रखी है एक तपेली, उसमें मैंने लिया है हाफ से थोड़ा कम पानी और उसके साथ एक इस तरीके का बोल लेंगे। आप चाहें तो ग्लास बोल भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर स्टील ले रही हूँ क्योंकि स्टील बोल सभी के पास अवेलेबल होता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पर मैंने कंपाउंड लिया है। अब ये कंपाउंड जो है चॉकलेट कंपाउंड कितना है क्वांटिटी में ये तो हम इसे कट करेंगे उसके बाद ही हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर मैं इसे एकदम फाइनली बारीक पीसेस में कट कर लेती हूँ ताकि ये जल्दी से जल्दी मेल्ट हो सके। तो अब आप देख सकते हैं मैंने हाफ कप का मेजरमेंट लिया है लेकिन ये हाफ कप पूरा अच्छे से भरा हुआ नहीं है, यानी कि लगभग 1/3 कप के करीब हमारा कंपाउंड है यहाँ पर और हमें इतना ही लेना है। अब यहाँ पर ये जो बोल हमने लिया है उसमें हम 1 टीस्पून जितना घी डालेंगे या फिर आप अनसॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं इसकी जगह पे। घी जैसे ही मेल्ट हो जाता है हम जो चॉकलेट कंपाउंड है वो इसमें ऐड कर देंगे और आप देख रहे हैं ये चॉकलेट आपको तभी ऐड करना है जब नीचे का जो पानी है यानी कि जो तपेली के अंदर पानी है वो अच्छे से बॉईल होने लगे तो आपकी जो ये कंपाउंड है ये फटाफट से मेल्ट हो जाएगा। अब चॉकलेट और कंपाउंड में क्या फ़र्क होता है अगर आप ये जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में बताइए, मैं इसमें डिटेल वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपाउंड हमारा यहाँ पर अच्छे से मेल्ट हो चुका है, इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये चॉकलेट कंपाउंड जो है वो फिर से जम ना जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूध की क्वांटिटी ऑलमोस्ट हाफ से भी थोड़ी कम हो चुकी है और कंटिन्यूसली मैंने इसे स्टर किया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो लगभग थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें 1/4 कप जितनी चीनी ऐड कर दी है। आप सोच रहे होंगे कि इतने कम दूध के अंदर इतनी सारी चीनी यानी कि ये बहुत ज़्यादा मीठी हो जाएगी क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आगे हम कुछ और इन्ग्रीडियंट्स भी ऐड करने वाले हैं, उसके हिस्से की भी चीनी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। चीनी ऐड करने के बाद में इसे एक बार अच्छे से बॉईल कर लीजिए और उसके बाद इसे ठंडा कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रबड़ी टाइप की कंसिस्टेंसी इसकी बनी है तो बिल्कुल इसी तरीके का फॉर्म हमें चाहिए जो कि यहाँ पर रेडी है। ध्यान रखिएगा कि ये जब आप इससे आइसक्रीम बनाएं तब आपको इसे रूम टेम्परेचर पर रखना होगा, यानी कि ना ही हमें इसे फ्रिज में रखना है ना ही हमें इसे गर्म रखना है, तो दोनों चीज़ों को रूम टेम्परेचर पर ही रखना है। हमारा कंपाउंड अच्छे से मेल्ट हो चुका है और उसके साथ हम मिक्स कर देंगे जो रबड़ी बनाई है हमने दूध से उसको। इस तरीके से सारा हम इसमें से निकाल लेंगे और साइड्स जो हैं वो भी अच्छे से स्क्रेप कर लीजिए ताकि कोई बिल्कुल भी वेस्टेज ना हो। अब यहाँ पर मैंने जो है मलाई ली है,
ये घर की मलाई है, इसमें ये जो टोटल है ना वो हाफ कप के करीब है, इसमें आधी मलाई है और आधा हल्का सा गाढ़ा वाला जो दूध होता है जो मलाई के साथ में हम ले लेते हैं कभी कभी, वो लिया है मैंने। और अब हम इसे बहुत ही अच्छे से पल्स मोड पे चर्न करेंगे। तो आपने देखा होगा कि आइसक्रीम बनाने के लिए वो जो बीटर आता है स्पेशली, वैसा सभी के पास अवेलेबल हो ये ज़रूरी नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर जो ब्लेंडर है उससे बता रही हूँ कि आपको इससे आइसक्रीम कैसे बनानी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पल्स मोड पे इसे आप तब तक ब्लेंड करते रहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ही चेंज हो रही है। मैंने ये क्लिप को बिल्कुल भी कट नहीं किया है, मैंने इसे बस फास्ट फॉरवर्ड में चलाया है, बिल्कुल भी कट नहीं करा है। और आप देख सकते हैं कि कैसा लिक्विड फॉर्म था और इसका फॉर्म पूरा चेंज होके एकदम गाढ़ा गाढ़ा फॉर्म इसका रेडी हो चुका है। अब सिंपली एक प्लास्टिक कंटेनर लेंगे, उसके अंदर हम इस बैटर को या फिर इस आइसक्रीम को हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चॉको चिप्स, चॉकलेट जो चिप्स आती है वो हम इसके साथ ऐड कर देंगे। तो इस आइसक्रीम को अगर आप दो फॉर्म में खाना चाहें तो बिल्कुल खा सकते हैं। यहाँ पर जो चॉको चिप्स हमने ऐड की है, अब हम इसे इस तरीके से क्लिंग रैप लगाएंगे या फिर कोई भी प्लास्टिक आप ले लीजिए वो इस तरीके से इसके ऊपर रैप कर लीजिए, इसका ढक्कन लगा लीजिए और इसे ओवरनाइट के लिए आप फ्रिज में, यानी कि डीप फ्रिज यानी जहाँ पर आप बर्फ़ जमाते हैं वहाँ पर इसे आप रख दीजिए ओवरनाइट। हमेशा मैं जब भी आइसक्रीम बनाती हूँ तो रात में बनाती हूँ ताकि सुबह हमें रेडी मिले, और बार बार फ्रिज नहीं खुलता है तो ये अच्छे से सेट हो पाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अभी भी रेडी नहीं है, अभी इसमें आगे कुछ प्रोसेस बाकी है, लेकिन मेरा बेटा इस आइसक्रीम का फ़ैन है, दीवाना है, तो उसे मुझे थोड़ी देनी ही पड़ेगी। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पर मैं इसे इस तरीके से थोड़ा सा निकाल लेती हूँ और बाकी की आइसक्रीम के साथ हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको इस स्टेज पे भी आइसक्रीम अगर खानी है तो आप खा सकते हैं, लेकिन इस स्टेज पे ये थोड़ी सी हार्ड होगी। अगर आपको सॉफ्ट आइसक्रीम पसंद है तो हम आगे की जो प्रोसेस करेंगे वो करने के बाद में हम इसे खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हाफ जितनी आइसक्रीम मेरा बेटा खा चुका है, और यही वो चम्मच है जिससे ये घटना हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस ये टोटली पिघल चुकी है, इसे हमें पिघलाना ही है, यानी कि रूम टेम्परेचर पर लाना है ऑलमोस्ट, और इसके बाद हम इसमें फिर से इसे चर्न करेंगे। तो जो हमारा ब्लेंडर था उसी को हम यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये बहुत ही अच्छे से चर्न हो रहा है, जितना आप इसे ब्लेंड करेंगे ना उतना इसका टेक्सचर फ्रॉथी होगा और बहुत ही अमेजिंग सॉफ्ट आइसक्रीम बनके रेडी होगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें हाफ कप जितना दूध ऐड कर दिया है, कच्चा दूध नहीं लेना है हमें, जो दूध हम उबाल के फ्रिज में रखते हैं वही दूध हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। फिर से थोड़ी सी चॉको चिप्स ऐड की है, फिर से वही प्लास्टिक को हमने इसके ऊपर रैप कर दिया है और ढक्कन लगा के हम 2 घंटे के लिए इसे सेट करने के लिए छोड़ देंगे, और आपकी अमेजिंग सॉफ्ट आइसक्रीम बनके रेडी हो जाएगी। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सैटरडे को, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।